नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कांग्रेस अब पूरे प्रदेश भर में 4 नवंबर को केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश प्रवक्ता द्वारा दी गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्य के 598 करोड़, सेंट्रल रोड फंड के 498.98 करोड़ के अलावा 2677 करोड़ रुपए केंद्र ने रोक रखे हैं। इसके अलावा खरीफ भावांतर के 1017 करोड़ और 2019-20 के 870 मीट्रिक टन के 1500 करोड़ रुपए भी रोके हैं। गौरतलब है कि 4 नवंबर को ही भाजपा भी किसान आंदोलन प्रदेश स्तर पर करने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के आंदोलन में अब कौन बाजी मारता है। भाजपा सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार के साथ, मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार को, जिसमें हमेशा से पहले भी 10 साल यूपीए सरकार रही, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की भाजपा शासित सरकार थी, केंद्र ने हमेशा, चाहे वो मनरेगा हो, स्वास्थ्य मिशन हो, बाढ़ रहा, तो हमेशा खुले दिल से मध्य प्रदेश को सहायता प्रदान की गई। अब जैसे अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के कई जिले, जिसमें 284 तहसील हैं पूरे मध्य प्रदेश की, 39 जिले बाढ़ पीड़ित हुए, जिनमें 284 तहसीलें थी। उन 284 तहसीलों में 16,270 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 16,270 करोड़ के नुकसान के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने 200 करोड़ रुपए अपने द्वारा राज्य सरकार के खाते से और 270 करोड़ रुपए जिलों के माध्यम से क्या कहते हैं राहत राशि के रूप में प्रदान किए गए। आप देखिए कि अभी हाल ही में 6,547 करोड़ की राहत राशि के फंड के लिए कमलनाथ जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी को सहायता राशि प्रदान करने हेतु केंद्र को बार बार निवेदन किया, परंतु केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा अपने दुराभाव की नीति के चलते हुए मध्य प्रदेश की आम जनता को राहत राशि का एक भी पैसा रिलीज नहीं किया गया। ये अपने आप में बहुत ही खेदजनक है, जबकि आप दूसरी तरफ देखेंगे कर्नाटक या अन्य दूसरे भाजपा शासित राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा लगातार फंडिंग की जा रही है। एक तय उनके द्वारा मांगे हुए राहत राशि से उससे ज़्यादा फंडिंग की जा रही है, तो ये भेदभावपूर्ण तरीका केंद्र सरकार को बंद करना चाहिए और मध्य प्रदेश की आम जनता को, जनमानस